नमस्ते भारत। तो आज के वीडियो में आप लोगों को मैं मेरे कितने सामान हैं, क्या क्या मैं कैरी करता हूँ, अपने साथ में रखता हूँ, वो आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले आप जो दो साइकिल देख रहे होंगे उस साइकिल के बारे में बता दूं कि ये मेरी पुरानी साइकिल है जिसको यहीं पर रख के मैं जाने वाला हूँ, और ये हमारी नई साइकिल है। आगे क्या रास्ता मैं इसके साथ सफर तय करने वाला हूँ। तो ये हमारी पुरानी साइकिल और ये हमारी नई साइकिल है, और इस पे हमने दोनों साइड बैग लगवा लिए हैं। दूसरे वाली में हमने दूसरा एक बैग था, गाड़ी वाला वैसा लगाया हुआ था, और एक दूसरा बैग हमने लटका के रखा था। तो ये हमारी नई साइकिल है और ये हमारा सामान है। तो एक एक करके मैं आप सबको मेरे पास क्या क्या सामान है वो बताने वाला हूँ। साइकिल दोनों मैंने यहीं पे आपको बता दी, वो पुरानी साइकिल है, नई साइकिल है, और ये मेरा सामान है। एक एक करके आप सबको मैं मेरे सामान के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या सामान मैं कैरी करता हूँ। तो आइए आपको बताता हूँ। ये मेरा सामान है। अभी तक जो सामान मैं साथ में लाया था, कुछ सामान मेरे ऐसे हो गए थे जो छूट गए, कुछ कम करने पड़े, कुछ सामान बढ़ते गए। तो इस प्रकार से जो मेरी यात्रा का जो सामान है वो आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा सामान है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास कौन कौन सी जरूरत की चीजें क्या क्या रखा हुआ है। आपको फैला हुआ है तो बहुत सारा नजर आएगा, वो बैग में आते हैं। तो हमारा इस प्रकार से एक सामने किधर के दो बैग बनते हैं, एक इधर रखते हैं, एक उधर रखते हैं, और एक सामने रखते हैं। एक ट्राइपॉड का है और एक अपना इसका है, योगा मैट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास घड़ी है। ये घड़ी हमारी पहले से स्टार्टिंग से बनी हुई हमारे पास में, और ये हमने पिपरिया से ली थी सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये निरमा साबुन हम कम रखने का प्रयास करते हैं ताकि वो बहुत भारी होता है, वजनदार रहता है। निरमा हम आधे घंटा कपड़ा भिगो देते हैं ताकि उसमें से गंदगी निकल जाती है और वो साफ हो जाता है। ये निरमा है। ये ग्लव्स हमने अभी अभी लिए हैं। उसके बाद ये नेपकिन है जो हमें मिला है, और ये ट्राइपॉड है, और ये योगा मैट। ये हमारी साइकिल में से हमने निकाला, दूसरी साइकिल में लगाने वाले। ये दवाइयां है हमारी, अभी तक ना के बराबर हमने उपयोग किया दवाइयां, लेकिन दवाइयां रखनी चाहिए। तो आयुर्वेदिक दवाइयां हमारे पास रखी हुई है। ये हमारा पावर बैंक है, और इसके अंदर हमारे सब जितने भी है चार्जर के जो केबल्स है वो सब कुछ है, और हमारी इसमें मेमोरी कार्ड्स है, पेन ड्राइव है हमारी, अभी तक के दो भर चुकी है पेन ड्राइव, और दो एक मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगी हुई है, और उतना ही जितना 56 का इंटरनल मेमोरी, 64 का इंटरनल मेमोरी है, और 64 की उसकी उसमें मेमोरी डली हुई है। ये ORS का घोल, ये नई वाली साइकिल में आया हुआ है, ये पुरानी वाली साइकिल में हमने लगा के रखा था। उसके बाद ये ऐसे दो गॉगल्स हमने स्टार्टिंग में लिए थे, एक ब्लैक और व्हाइट। तो ब्लैक वाले हमारी पचमढ़ी में छूट गए थे, तो हमने वापस ये अभी अभी ये ब्लैक वाला लिया हुआ। व्हाइट वाला इसलिए लिया ताकि रात में क्या हो जाता है कि आप चलते हो ना तो छोटे 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 जब आप ग्रामीण क्षेत्र में चलते हो तो छोटे छोटे कीड़े आपके आंखों में आते हैं, तो वो जो बाइक्स चलाते हैं रात को ग्रामीण क्षेत्र में उनको जानकारी होगी। उसके बाद ये हो गया, और ये हमारे पैर में लगा, पैर में पहनने के लिए है। हमने बीच में खरीदा हुआ था क्योंकि घुटने में बहुत दर्द होता था, तो ये सपोर्ट करता है। हालांकि दर्द तो वैसे भी होता है, लेकिन बहुत हद तक के ये, और कभी कभी गिर भी गए, इसके लिए भी सेफ्टी है वो कि अभी गिर गए तो घुटने में चोट नहीं आती। तो इस प्रकार से हमारे पास ये और ये दो तौलिया के समान चीज है, इसको हम तौलिया के रूप में उपयोग करते हैं। ज्यादा मोटा तौलिया का उपयोग नहीं करते क्योंकि वो सूखता भी नहीं है, और दूसरा स्पेस भी ज्यादा लेता है। ये सैनिटाइजर है, ये चार्जर है, और ये हमारे मास्क है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो ये हमने इसलिए लिया था ताकि इसमें मोबाइल रख सके, तो हम सामने रख देते थे और मोबाइल वगैरह रख देते थे, या इसमें हम पावर बैंक रख के मोबाइल चार्ज कर लेते थे। और उसके बाद ये हमारा किट है, तेल है, ब्रश है, पेस्ट है, जीबी है, और कुछ पुस्तकें हैं जो हमें मिली थी रास्ते में। ये हमारी कैप है, और ये एक दो जोड़ी कपड़े हैं। ये हमारे कपड़े हैं जो हम पहनते हैं बारिश के समय में। कपड़े एक दो जोड़ी ज्यादा होना चाहिए, इसलिए हो सकता है एक आध जोड़ी ज्यादा है, क्योंकि बारिश में सूखते नहीं है कपड़े, गीले हो जाते हैं। तो गर्मी में फिर क्या हो सकता है कि हम कम कपड़े रखेंगे तो भी चलता है, ये काम आ जाएगा गर्मियों में, क्योंकि हम बनियान भी पहने तो ये प्रकार से दो तीन हमारे ऊपर और नीचे के बनियान और अंडरवियर रहेंगे। ये हमारे रेनकोट है,
ये डब्बा हमें गिफ्ट मिला था तो हम अभी तक उपयोग किए नहीं है, लेकिन साथ में रखा हुआ आज नहीं तो कल उपयोग हो जाएगा। इसमें मूंगफली के दाने और गुड़ है जो कभी कभी यूज हो जाता है, ये भी रास्ते में कुछ लोगों ने दिया हुआ था भेंट हमें। और इसके अंदर हमने वो खरीदा हुआ था जैकेट, वो है जैकेट इसलिए ताकि कभी ठंड वंड पड़े या बीमार पड़ गए तो वो जैकेट हमें काम आए, तो ये जैकेट लिया था हमने, इसमें जैकेट है। और ये डायरी है, इसमें हम कुछ लिखते हैं। और ये हमारा डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स है हमारे, मैप्स वगैरह हैं और बाकी कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद ये हमारी बिछाने की चादर है, ये उड़ने का है और ये एक एक्स्ट्रा का है, तो हमें सम्मान स्वरूप दिया गया था तो अभी हमने रखा हुआ है, हो सकता है कि हम गर्मी में कम कर ले इसे। इस प्रकार से ये चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है और जरूरी है, तो ये सब चीजें हम कैरी करते हैं 2 से 3 बैग में और इस प्रकार से हम अपनी यात्रा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि ये जरूरी चीज हमने रखी हुई है, दवाइयां भी है इसके साथ साथ में इस प्रकार से, और बस और इस प्रकार से हम यात्रा करते हैं। और ये उपयोगी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें बहुत कम रखते हैं क्योंकि ऐसा हो जाता है रास्ते में बंदर वगैरह आते हैं तो वो लोग बैग को फाड़ देते हैं और उसको निकाल के खा लेते हैं। ऐसे हुआ था, एक बार ग्लूकोज रखा हुआ था, ग्लूकोज का डब्बा, उसको वो लोगों ने तोड़ा फाड़ा और फेंक के चले गए, तो इसलिए खाने पीने का सामान बहुत कम रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली बार वापस से दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्ते भारत।